विरह प्रेमी श्रोता बंधु, हम गायक कलाकार जोगेंद्र यादव गाजीपुर जंगीपुर से पार्टी के साथ साथ पूनम कैसेट कंपनी की माध्यम से प्रकाश यादव मलदहिया वाले के देखरेख में कवि महेंद्र पाल जी की सहयोग से यह कैसेट आप लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि ये विरह आप लोगों को पसंद आएगा। भूमिका के लाइन है मास्टर। जमाना जले जुल्म के आग में, जुल्म का से का दिल में समाई नहीं, ऐश राम की खेल खेला करो, उन दरिंदों को कोई धर्म ही नहीं, दर्द बन के जखम तमाशूरी है और कोई छाती पर पत्थर चलाया है कैसे, मर्द में मदहोश कामना ये पति अपने दुल्हन की सिंदूर मिटाया है कैसे, एक लाइन गजल के अंदाज लगल मास्टर साहब। कि मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, कवि जी ने विरह के लाइन में बड़ी सुंदर भाव लिखे हैं। आज के इंसान के रूप में लिखन कैसे, कर्म और धर्म जबी कर्म और धर्म जब मनो के यहाँ जूट गया, कोई आबाद हुआ, कोई आबाद हुआ, कोई यहाँ लूट गया, यही से विरह के कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कब कर कहाँ के बाबू, भाई यादव राम जीत रहे, भरा परिवार था जीवन की गाड़ी खींच रहे, मेरा बेटी बेटा राजू और राजेश रहे, मेरा बेटी बेटा राजू और राजेश रहे, मां का प्यार तीनों बच्चों पर विशेष रहे, स्वर्गवास हुआ, माँ के मरने पर बच्चों का मन उदास हुआ, ए बाबू जिला बरेली के
प्रतापपुर थाना अंतर्गत छोटा सा गांव है बिलासपुर। वही बिलासपुर के रहे वाला यादव परिवार के रामजीत यादव की बात रही। ऐसा थी यादव रामजीत की परिवार के उनके अर्धांगनी की गोद में तीन छेवलाद हवन। बड़का बेटवा का नाम राजू बतावल गई, छोटे बेटा का नाम राजेश बताया जा रहा है, छोटकी बिटिया जो नहीं बाबू मीरा बतावल गई। समय के अनुसार समय का चक्कर चलत है ऐसा थी। अचानक एक दिन माँ की तबीयत खराब होती है। आज मतारी दुनिया से छोड़ के चल गए बेटवन के बाबू रामजीत यादव अपनी तीनों बेटवन के परवरिश सर करत हवन। समय बीते लागल, गांव घर के लोग कहे लगलन कि रामजीत यादव एक काम करा कि उम्र तोहर बहुत बार छोट छोट तोहर बेटा होवन, अरे हम अगुवाई करा दे थे जा चल के एक थे शादी का लाम, शादी का ले बात आई बेटवन के तोरी परवरिश करे वाला केहू मिल जाई। कहे कि नहीं बाबू, इनकार कर गए, हम जिंदगी अपनी बिता लेंगे, गौर करेंगे। समय आया बाबू तीनों बेटवन के पढ़ा के इंटर पास कैलन। हम तीनों बेटो इंटर जब पास कैलन समय बीते लागल। आज ये हर देखे बाबू धीरे धीरे बाबू के दिल में एक बात साले लागल, बिटिया सयान हो गई, शादी की जोग हो गई। आपसे हमसे भैया से बाबू से जिस साथी संगी मिले सबसे यह कहे कि भैया एक अगुवाई के देता, हमार बिटिया सयान हो गई ना, एक शादी कह देती। अरे बाबू गौर करेंगे, वही गांव के बगल के एक जाने अगुवाई कैलन, जा करके सुभाषपुर गांव में पहुंचलन हन। एक छे मोहन नाम के लड़का से शादी भइल बा, घरवा बारात आइल बाबूजी, मंगल चार होत बा, मड़वा में विवाह हुआ, सिंदूरदान हुआ। सवेरे के बेला है बिटिया के गाड़ी में बैठा के बाबू विदाई करत हवन। अब विदाई करत होने रीत मित संगी साथी के छोड़त भी हम बाबू। बिटिया गाड़ी में बैठल हन, देखत हन के हमर बाबू सबके छोड़त हवन। माँ की ममता जब जगी है, माँ की सूरत जब उस बिटिया के अंदर जगी है बाबू, गाड़ी में से उतर करके अपने पापा के पास गई। गुड़वा छान के रोवे लगल, पापा पापा हमके तू बेगाना कर देला ने, हमके अपने घर से विदा कर देला। आज यही जगह पर मम्मी रहत पापा तो हम एक वादा पूरा करत, गौर करेंगे। आज इधर सोचत हो बाबू कि आखिर कौन हमसे अभागा बाप से पूरा न कह पौली कि हमार लड़की हमसे मांगत बा। इधर सोचत होवन ए हरिया विदाई हो गई। आज जोन बा मीरा डोली में बैठ करके अपने ससुराल के नगरी में अली हाँ, गीत लगत थे मास्टर कैसे वह गीत बान। अरे गवना करा के सैया जी, गवना करा के सैया जी, बस गैला सहर में उठला दरदिया रे हमार, गतरे गातर में उठला दरदिया हमारा। बाबू हो बेटी के विदाई हो तो आ सोचत है बिटिया का सोचत है या? बेटी के विदाई भैली सुबह पार में याद आवे माई के सूरतिया, अरे याद आवे माई के सूरतिया, नई हरना माई के याद बिटिया की करेजा के फारत बाम, करेजा में तस्वीर जैसे छलकत बाम। रो रो के एक बात कली का कली, सखिया सहेली सभा भरिया कवारिया हो, सखिया
बाबू सोच गेलन के बारी बिटिया कौन ऐसा चीज बा के हम ना पूरा कर पैलिन। अपना के बाबू एहसास करत हवन, लेकिन बाबू हित में संगी साथी के छोड़त हवन। वही दुआरे पर चरपाई पर लेट के बाबू शाम के बेला बा इहे अपने दिमाग में सोचत हूँ कि बारी बिटिया ऐसा तू बात दुभार दयालू। हकीकत की हम कर्जा माई के तोरे पूरा ना कर पौनी। अपने अर्धांगनी के बाबू वो तस्वीर निकाल करके अपन नजरों में झलक करके और सोचत हूँ कि बारे मालिक काई हम कमी के दहलिन। इतने ना बाबूजी रतिया में सुतले में आज मीरा के बाबू का हार्ट अटैक हो गई। ये दुनिया के छोड़ के मीरा के बाबूजी चल गई लन। सुवेरा भइल सब अपन अपन उठ के काम करत बा, गोरु चौवन बछौन के लगावत बा। आज देखलन के रे मीरा के बाबू जी राम जी यादव के सर पे घाम सूर्यदेव के लगत है, लेकिन जगला ना उठला ना। लोग सोचत हवन शेर आयल हवन, मगर ना बाबू जाके जगावत हवन। आ लोग जगावत हवन तो बाबू जी आज राम जी यादव न तो बोलत हवन न डोलते हवन। अवाक हो गई सारे लोग, खलबली मच गई गांव में। बारे मालिक कल है तभी ब्याह भइल अपनी बिटिया के विदाई कैलन। वही गौवा के ये बाबू जी कोई चलाक मनई अपने साधन द्वारा सुभाषपुर गया। द्वार पर खड़ा होकर के बताने लगा कि भैया आज मीरा के बाबू ये दुनिया में न होमन। रात के सुतले के बेला में मीरा का बाबू चल गयलन। ऐ साथियों आज वहाँ के लोग सुनना है कार मचल हो। अंगनवा में बिटिया का कंगन बादल हो, पंडित जी बैठल हवन, सारे लोग वही में बाबू बैठल हवन कंगन का छोड़वावे खातिन के। मगर बिटिया के कान में आवाज गई, बारे मालिक बचपन में तो बाबू मतारी छोड़ के चल गई, आज ये समय बाबू अपन वादा माई के पूरा किलन तोली पिताजी भी चल गई लन। रोती है साथी हुआ क्या गीत लगा। उहे गीत का लाइन बाम कि बाबू अरे बाबू दरोगा जी अब कवन गुनहिया मीरा। अपने वो सुभाषपुर से जब बिलासपुर नैहर नगरी में एली हाँ, बाबू के लसिया दुअरवा सुतावल देख करके मीरा छछत कर चल पड़ी। बाहरी दुनिया के मालिक इतना बजर न करे के चाही, रोवत ही लसिया पर गाता ली कि मीरा हो मीरा अरोवली ए बाबू मीरा अरोवली अरे पवत खबरिया चलनी नैहर की ओर मीरा रो अपने वो पिता के लाश से वह पगली के रूप में आवाज उठाती है का माई बाबू के अरे करजन भवला और जीवन कैला अजोर की मीरा अरोवे हो मीरा रोवे कैला होई है अजनबी के भो मीरा।
ए बाबू लास्ट से आज मेरा गवाह करावत है कि बारे बाबू ये हमारी दुनिया में अनहारे लिखल बका ये जिंदगी अनहारे बीत जाई। यह सवाल कहने बाबूजी वो गौवा के लोग मिल करके आज वो बाप के दाह संस्कार कैलन हा। समय बीता साथी, जैसे ही 20-25 दिन का समय बीता है आज सुभाषपुर के लोग अपने दुल्हन वो मीरा की विदाई खाती नैलन हा। राजू हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोलने लगा कि भैया ये हमारे हिंदू वर्ग में एक चीज हुआ करता है, अगर दोबारा गौना का दिन रखा जाता है तो 2-4-6 महीने के बाद में कोई अपनी बहन बिटिया को विदा करता है तो बाबू हो काहे न 2-4-6 महीने के बाद अगर रखता लो तो हम खुशी से बिटिया को विदाई कर देते। आखिरकार वही हुआ, 6 महीने के बाद फिर वह मीरा अपने ससुरार जाती है और जब जाती है तो बाबू भैल का वह गीत का लाइन बाम, अरे पिया परदेश गई ले तार ला गई टोपी यही में बहुत धुन तरजा आप लोग सुनेला कितना सुंदर कवि जी विरहा के लाइन में भाव लिखलन। भैले विदाई मीरा, भैले विदाई मीरा गईले ससुरावा हो, भैया भौजी सब अपने जब सुभाषपुर के नैहर नगरी से अपने ससुरार में अली हाँ। सुभाषपुर जब अली हैं ये साथी, लेकिन देखें धीरे धीरे साल भर के दिन बीतल बा, आ जब साल भर के दिन बीतल मीरा के पति सेज पर बैठल हवन। मीरा बतौली की सैया आपके एक चीज मालूम नहीं ना बा, करे पागल का चीज ना मालूम बा, कलर सैयाम एक काम बतावत हैं तौले वही बीचवर में, कलन सुन हमसे बढ़िया न बतेबू हम बढ़िया बात बतावे जात हैं। वह मोहन बोल पड़ा, ए मीरा हमके दुबई जाए के बाद पासपोर्ट बनवा ले बारिन, हम दुबई जाई रुपया कमाई भवन के गरीबी दूर हो जाई घर द्वार बनाई। कलन की बस सैया यही खाती न, लेकिन हई देखा हई जवन तोहार हमारी पेटवा में लालना आज जोन बाम, तुहार पेट में एक ठे औलाद पलत बाम, ये औलाद तू चल जी बाद या धरती पे यही है हमारी जकन से पैदाइश करब। आखिरकार सैया एक देख रेख के करी सवाल केलन की पागल हो, अरे दुनिया जमाना के लोग ए मालिक के ऊपर भरोसा करेला, ए मीरा यही मालिक के ऊपर भरोसा के करे किया 2-3 साल चलो ढेर दिन ना होला हम जरूर आई बाबू भैल का बाबू। धीरे धीरे बीतल 2 साल का समैया, गईले कमाई मोहन दुबई रुपैया, गईले अब भैले विदाई मीरा गईले ससुरावा हो। ऐसा थी आज जोनबा मल्ला नहीं लोग बतावला कि जे आन से नहीं हारेला वो अपने से हारेला अपने अर्धांगनी से। कहने की हम जात हैं यहाँ से बाबूजी हमारे भारत उत्तर प्रदेश से, वह दुबई की धरती पर कदम रखा है जवान, जब दुबई की धरती पर कदम रखा वहां के दुबई के साहब पासपोर्ट चेक करने लगे
जिसमें मोहन का पासपोर्ट फर्जी मिल गया, कोई दलाल फर्जी पासपोर्ट बनवा कर दे दिया। आज बाबूजी, आज वह मोहन वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा हिना जेल के अंदर बंद होवन। आज जब बंद भइल ए बाबू, उस समय का हालात देखें, जेलिया से अपने अर्धांगनी मीरा के फोन कैलन की, हे मीरा, अरे पागल तो की दुख न उखे, चिट्ठी लिखलन हा, बतौलन की सुना, हम ए हिना जेल में बंद हैं। काहे बदे बंद हैं? हमार पासपोर्ट कौनो दलाल जौनी से बनवौलिन, वह फर्जी बना कर दे दिया। यहाँ की सरकार जब चेक किया है, वह नकली फर्जी पकड़ा गया, जिसके इंजाम में मैं हिना जेल में बंद हूँ। घबराना जन, वक्त मिलेगा, समय भगवान की आएगी तो मैं भेंट करूंगा। मगर भइल का बाबू, मीरा ये दुनिया के मालिक से उलहना दे रही है। अरे पिया के संदेशा जा, ए बाबू हई पावली गुजरिया, अरे बगिया में अगिया लगावा कसूरा हम अभिधना के साथे कैली। अरे काए बेदरदी अबन वाला गोसाईया, अरे जिंदगी जहरा नैहर में छामा होला बाप महतरिया हो, और वहू से बेगना बनावाला गोसाईया, ए बाबू आज वह मीरा जब पाती को पढ़ती है, सोच गई ये दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मगर बाबूजी देखें हालात का टेरी का लाइन बा, अरे सजनवा दुबई है, सजनवा दुबई घाटी में फसल जिंदगी माउर भैलिया, जिंदगी माहूर भैले आवे ना चयनवा, सजनवा दुबई घाटी में फसल। बारे साथी आज मालिक के मीरा उलहना दे कर की है, सोचत है गौर करेंगे। आज जोनबा मोहन का बुद्ध जोनबा वो मीरा की गोद में पलत हो बाबू, धीरे धीरे बेटवा कब वो लाल का पैदाइश भइल, सुंदर बेटा जे पैदा भइल बाबू, बड़ा दुलार से प्यार से वो लड़का का नाम मनीष रखल गई। मनीष धीरे धीरे बाबू जब साल भर के भइलन हा, लेके अपने कान्हे पर साट करके बाबू आपसे हमसे जमाना के लोग से सारे नेताओं के हिंदुस्तान के नेताओं के पास जाती है, सवाल करती है, आंचल फैला देती है, नेताजी ए बाबू हमारी सैया के कैसे हूँ छुड़ा लेता लोग, हमार सैया फसल वालन
दुबई में जा करके कोई दलाल पासपोर्ट नकली फर्जी बनवा दिया, जिसमें हीना जेल में हमारे पति देव जी फंसे हैं बाबू, गौर करेंगे। धीरे धीरे बाबू 2 साल का समय बीत गई हमारे हिंदुस्तान का, कोई नेता कोई वह जिसके दरवाजे पर गया कोई सुनने वाला नहीं है, लाचार अपने बेटे के कंधे पर साटती है। अगल बगल उस गांव के बाबू सुहासपुर गांव में भीख मांगती हुए गुजारा कर रही है। समय जब बीतले बाबू है अगवा देखन एक ठे राखी के त्योहार आयल बा, सोचता कि हे मन हमार भाई भौ जाई कबो खबरों न लेलन, आखिरकार हमसे बोले ना सोचबती वो ना करेलन, ते हे मन काहे ना मही चल के अपनी भाई के राखी यही बहाना बात दे, कुछ मिली अपन परवरिश करब, गौर करेंगे बाबूजी। वह सुभाषपुर से और पहुंचती है जब बिलासपुर में, दुअरवा पर साइकिल खड़ा करके बाबू राजू बैठल हवन, भौजी जौन बा घरवा में से पहिर ओढ़ के आवत है राजू अपनी अर्धांगनी के ससुरारे ले जात हवन राखी बदवावे खातिन के। बहनिया गइल बे हाथ गुड़ परद बा जोड़त बा, भैया हम तुहार लोग के छोट बहन है ना, एक बार अपने कलाई में राखी बांध वाला, आखिरकार कोई सुनने वाला नहीं है बारे भाई। ओ भाई तनिक भी दर्द नहीं हुआ का के रे पगली, तू राखी बांधने के लिए आए है तू आज बैठ जा, मैं कल आऊंगा राखी बांध देना। मैं अपनी अर्धांगनी को पत्नी को लेकर जा रहा हूँ अपने ससुराल, उसके भाई से राखी बांधवाना है। समय बीते लगल बाबू, सोच गई वह मेरा के दुनिया में हकीकत मेरा कोई नहीं है, अगर खास मेरे माँ बाप रहते तो ऐसा देखने के ऐसा सुनने के ताना नहीं मिलता बाबू। वह फिर अपने बेटा को कंधे पर साटती है, बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी हो रहा है, बेटा रो रहा है, मनीष लेकर चले जा रही है। गांव के लोग धिक्कारने लगे, अरे राजू तनिक भी तेरे दिल में शर्म नहीं है, तनिक भी तेरे दिल में मोह माया नहीं है, आज तेरी बहन उस सुभाषपुर से तेरे के यहाँ आई है, क्या मतलब निकलता है, क्या उसकी तुभाई नहीं हो, क्या वो तेरी बहन नहीं है, गौर करेंगे बाबू। यह सोचत सोचत जब बात करी दिमाग में घर कैलस ये साथी, साइकिल को फेंक दिया, अपनी अर्धांगनी को डांटने लगा, तुम यही चाहती हो कि मैं तुमको ले चलूं, हमारी बहन हमारे दरवाजे से रोकर जा रही है। नहीं बाबू, अपने बहन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। हुआ क्या मास्टर? वह राजू अपने बहन से एक बात कह रहा है का? अरे सुना सुना प्यारी मोरी हाय बहिनिया हो, आ बहिनी माफ करा हमारी नादानिया हो ना, बहनी हम तुहार बड़ भाई हैं, माफ कर दा बहनी, बतावत बा बाबू बतावत हूँ कैसे। अरे कैली कसूरा बहनी हम बड़ा भारी, राजू अपने बहन को किसी हालत से मनाया है, हाथ जोड़ करके पांव पकड़ लिया, बहन मुझसे नाराज होकर मत जा। रोता हुआ बहन पकड़ लेती, अरे पागल तू मेरा बड़ा भाई है, दोनों फफक कर रोने लगे, अवाक हो गेलन दुआरे पर 2-4-10 लोग बैठल हों, गौवा के लोग अवाक हो गेलन कि बा बारे साथी, एक भाई और बहन का रिश्ता यही होना चाहिए, अपनी बहन
लेकर के अपने दरवाजे आया है बाबू। आ जब दरवाजवा एलन है, दो चार लोग दस लोग दूरवा पर बैठल हन, साहब के सामने वादा करता है वो राजू, ए बहन मैं राखी की बधाई में तुझे कुछ और तो नहीं दे सकता, पर एक वचन दे सकता हूँ, ये तेरा बेटा मनीष है ना, ये मेरा बहन है, मैं वादा करता हूँ इतने लोग के सामने कि अगर जितना जी भर पड़ेगा मैं पढ़ाने के लिए इसको तैयार हूँ। आज बाबूजी इतना बार जब सुल्लह मिरवा आंखों में खुशी का आंसू छलकत हो, दोनों भाई खूब बहन प्यार से बोलल बतियोल, रात बीतले बाबू सवेरे का बेला भइल, मिरवा के बड़ा जोन सफरल, राजू अपनी बहन को दे लेकर के फिर सुभाषपुर के लिए विदा करता है। आज जब विदा किया हुआ क्या मास्टर, गीत का लाइन बज गई, अरे गांव में आइल बाटू बम्बे शहरी से, बच के रहा गोरी उखिया रहरी से, गांव में आइल बाटू बम्बे शहरी से, बच के रहा गोरी उखिया रहरी, चला खेतवा में हो, चला खेतवा में हो रहा भुजाल दे, दारू छोड़ा गोरी का चरस पिया दे, सुभाषपुर में जमीरा अपने औलाद को उस मनीष को लेकर के पहुंची है साथी, कैली है का मेरा पढ़ावे लगली आपन ललनावा, एक दिन पूरा करिए मालिक सपनावा, मेरा पढ़ावे लगली आपन ललनावा, एक दिन पूरा करिए मालिक सपनावा, साथी कहियो न हो, साथी कहियो न देई बदनसीब के, हाई इंटर पास भइला बेटवा गरीब के, मीरा अपनी बेटवा मनीष के पढ़ावे लगली हा, धीरे धीरे मनीष इंटर पास कर लिया। आ जब इंटर पास कैलस माई की लगे आके सटल बा, माई अच्छे काम और ही हम करब का, माई भी बतावत थी बेटा घबरा मत, कैसे अरे माई कहेली बेटा जी भर पढ़ाई, पढ़े बदे नाम लख नौ लिखवाले, दू साल पढ़ाला पर डिग्री के पवाले, पढ़े बदे नाम लख नौ लिखवाले, दू साल पढ़ाला पर डिग्री के पवाले, आ इंटर पास भइला बेटवा गरीब के, मनीष अपनी माँ के पास गया, सवाल कर दिया मम्मी हमें आरटीआई करा दो, आज माई हो आरटीआई भी करा दे, लेकिन समय बीते लागल, जब माई आरटीआई करेली ए बाबू आरटीआई के बाद वह मनीष पार्टेकनी भी कर लिया, पार्टेकनी जब कर लिया उस समय के हालात, वह मनीष धीरे धीरे इंजीनियरिंग के
पद पर जो है कि नियुक्ति मिला है वोडाफोन के टावर वाले कंपनी में इंजीनियरी के पद पर नियुक्ति हुआ बाबू। आज देखें धीरे धीरे वो वोडाफोन वाले सरकार जो आदेश देती है कि नहीं जितने वोडाफोन के इंजीनियर हैं दुबई के लिए तैयार हो जा, दुबई भी टावर बैठाना है। दुबई के भी हम काम लिए हैं बाबू। मनीष धर्मा आए के अपने माई से बतावत हूँ। का बतावत हमन माई से यह बतौलन कि मम्मी हमके जोन बा वोडाफोन कंपनी की ओर से हमें दुबई जाना है। माँ दुबई के नाम सुन करके अवाक हो जाती है, आंखों से आंसू झर 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 चलने लगा। बेटा पूछ दिया कि माँ आखिर मैं दुबई जा रहा हूँ, तुम क्यों रो रही है? कहा बेटा तू नहीं जानता है ना, आज से 25-20 साल पहले तेरा बाप उसी ही दुबई में गया। ए लाल आज तक ले तुहरे बाबू का पता ना बा कि आखिर में तुहर पापा कहाँ हुवन, कौनी स्थान कौनी जगह हुवन लाल, केहू बतावे वाला ना बा। यही से कहता नहीं बेटा तू दुबई मत जा, हमार करे जा फाटक बजे बेटा, दुनिया बम्बई कलकत्ता कमाला तू नेरे में कमाला। कह माई पागल हो गयलू न, अरे हम बम्बई कलकत्ता कमाब अपने उत्तर प्रदेश में कमाब, 25,000 रुपया तनख्वाह पाई, अगर हम दुबई चल जाई 25,00,000 रुपया पाई। कहा कि है? कहा कि हाँ माम। कहा कि बेटे हम रुपया की आवश्यकता नहीं है बेटा, हमारा मांग कर सिंदूर जब खो गया तेरे को नहीं खोना चाहता। हट करने लगा लड़का, आज माई से हट करके आज दुबई के तैयारी कैलन। हाँ आज जब दुबई के तैयारी कैलन साथियों दुबई की, हम जब पहुंचा है वह मनीष साथ में वोडाफोन के कंपनी की ओर से सारे लोग पहुंचे हैं दुबई के अंदर। एक महीना बीता है, टावर लग रहा है, टावर का काम चल रहा है वोडाफोन का। समय बीते लागल, तापमान हमारे हिंदुस्तान के यहाँ से दुबई के यहाँ तापमान के हिसाब से धूप बहुत काफी पड़ती है। दुबई में जब गया है टावर बैठाने लगा, तब तक बाबूजी तापमान की ओर से ग्रसित हो गया, धरती पर गिर पड़ा। जब गिरा है बाबू धरती पर, आए हुआ क्या गीत का लाइन है बड़ा प्यार से माता बहन लोग गीत के गावली में से साहब। अरे माई कहेली बेटी नियरे बियाह बहो, माई कहेली बेटी नियरे बियाह बहो, बाबू कहेला बड़ी दूर हो। मगर ये साथी उस मनीष को डॉक्टर आनंद फानन में किया क्या, वही के बेहोश गिरी गैलन सुगाना आओ, वही के बेहोश गिरी गैलन सुगाना आओ, गिरल बाट दुखा का पहाड़ी हो। सारे लोग संगी साथी जितने टावर वाले थे बाबू, टावर का काम रुक गया, सारे लोग आए हैं अपने मित्र को अपने साथी मनीष को उठा रहे हैं, डॉक्टर लोग आए। अब बाबू इतने ना दुनिया में जेकर केहू ना बत के मिलेला, अरे डॉक्टर लोग मिली जुली कैलन दवाइया हो, डॉक्टर लोग मिली जुली कैलन दवाइया हो, सब करी सहारा सारा कारी हो।
गए बाबू, वहां के जितने डॉक्टर थे, कर्मचारी थे, उस मनीष को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। मनीष के लोग दवा दुआ करने लगे। मनीष दो दिन के बाद जब होश आया है, जब ठीक हुआ है, बेड पर बैठ करके और सेव खा रहा है, तब तक एक बूढ़ा फर्श पर पोछा लगा रहा है और मनीष को ताक रहा है। मनीष देखा कि एक बार ताका, दो बार ताका, मनीष ताकने की वजह से समझ गया, लगता है कि बूढ़ा भूखा हुआ है, इसको भूख लगी है, गरीब इंसान है ना। लेकर बाबू सेव बढ़ा दिया, दादा आप सेव खाइए। आज वही सेवा ये बाबू उठा के देलन हन, वह बूढ़ा इंसान लेकर के सेव खाने लगा और भफक कर रोने लगा। एक सवाल कर दिया मनीष के बाबा, आप तो हमारे हिंदुस्तान के लगते हैं, आपकी आवाज बोल चाल बता रही है कि हमारे हिंदुस्तान के हैं। मनीष जब सवाल किया, बूढ़ा मुड़ी लाया, हाँ बेटा, हाँ बाबू, मैं जरूर हिंदुस्तान का हूं, लगर इतना तो बता दे कि आप भी साहब हिंदुस्तानी के तो लगते हैं। कहा कि बाबा सच कह रहे हैं, मैं हिंदुस्तान का हूं। सवाल कर दिया मनीष की बाबा, अपना प्रांत, अपना जिला, अपना घर तो कम से कम बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। बाबू हो इतने ना वही बिचवा में बतावत हन, सेव खात हन, अब तब तक भइल का मास्टर साहब। और कोई नहीं जाने जग में ए बाबू विधाना की गतिया, अरे कोई नहीं जाने लाहारी का खेलावा, अरे वही वही बतिया बतावेला जवाना, अरे थाना प्रतापपुर बरेली हुए जिला, वह बूढ़ा नौजवान बताने लगा, बाबू हम जिला बरेली के प्रतापपुर थाना अंतर्गत सुभाषपुर के हम रहने वाले हैं और हमारे अर्धांगनी का नाम मीरा है। जइया अपने अर्धांगनी के गौना करा के ले लिए बाबू। इतने ना एक पासपोर्ट बनवाया अपने यहाँ से, एक दलाल पासपोर्ट बनाकर हमको दिया, यही दुबई में कमाए खातिर नैलिन भैल का इहे बतावत हमन। अरे हम भागल दुबई में, वह बूढ़ा बताने लगा, आज से 20-22 साल पहले ए बाबू यही दुबई में हम कमाए खाते नहीं लेन, यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार जब पासपोर्ट चेक करती है, मेरा पासपोर्ट फर्जी पकड़ा गया। जहिया फर्जी पकड़ल गए बाबू, वही दिन से यहाँ के सरकार, यहाँ के पुलिस हिना जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इतना ही नहीं बाबू, वहां से हम लोग कोई भी सरकारी दफ्तर है, कोई भी सरकारी जहां भी काम लगता है, तो कोई नाला साफ करने के लिए भेज देता है, तो कोई किसी का फर्श साफ करने के लिए भेज देता है। बाबू हम लोग की यही जीवन है, शाम होते हुए फिर उसी जेल के अंदर चले जाते हैं। आय हाय दोनों जब बतिया पौलन हा, मोहन के बाद जब मनीष सुल्लन कलन की बा, हमारे आप वही पापा हैं, हमारे आप पापा हैं, हम भी उस बरेली जिला के रहने वाला हूँ। मेरी माँ बताती थी कि तेरे पापा का नाम मोहन है बेटा, हमारे आप पापा हैं बिछड़े हुए। इतने नहीं आज दिन बा घरवा फोन लगा के मनीष अपनी माई से बतावल चाहत हो कि माई हो है देखा तू कहत रहू कि नहीं बेटा दुबई मत जइहा, वादा कैल रहने माई की जब भी आए तो अपने पापा के लेके आई। फोनवा कैलन हा माई वहरिया बतियावत है, एक खला हलो मोहन कैलन हा, ये कही हला जोन बा मीरा बाबू पौली हा हलो। 25 वर्ष में आज बारे मालिक रोने के अलावा और कोई आवाज नहीं निकल रही है। छीन करके मोबाइल अपने पापा को मनीष समझाता है, पापा आप घबराइए जन, वादा करता हूँ कि मैं आपको ले चलूंगा। इतना ही नहीं यार मम्मी के भी समझाओ थे, मम्मी
घबरा मत, वादा कल रही के लेके आई तो देखा आज बाबूजी इतनी बतिया जो भइल आ तब तक दुबई के पुलिस वाले आवाज दिए आए मोहन गाड़ी आ गई है बैठना है चलना है। बाबूजी देख रहा है कि दोनों पप्पा रो रहे हैं, बांह को पकड़ लिया खींचता हुआ लेकर चला जा रहा है। आवाज देता है मनीष पापा मैं जाइए पापा, लेकिन लचार वह बाप भी रो रहा है मनीष मुझे घर ले चलो बेटा, लेकिन गौर करेंगे ले जाके फिर शाम के वक्त वही जेल में बंद कर दिहलन। इतने नाम कुछ देर के बाद में वह मोहन अपने 25 साल की बात का वह इतिहास याद करने लगा, अपने अर्धांगनी का हर एक बात याद करने लगा। इतनी सोचते सोचते वह गम में डूब पड़ा और जब गम में डूबा है साथी तब देखा हार्ट अटैक हो गया, ये दुनिया को छोड़कर चल गया, खलबली मच जाती है। इतना ही नहीं जब खलबली मची है साथियों वहां के सिपाही अपने में बातचीत करने लगे कि आखिर उस नौजवान से बात करता था वो कहां का रहने वाला था, वही कुछ खिला दिया है इसीलिए लगता है कि मर गया। भाग करके पुलिस आ करके उस मनीष को गिरफ्तार कर लिए। जब मनीष गिरफ्तार हुआ है पूरे वोडाफोन में खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। अरे बा यहां के मनीष इंजीनियरिंग पकड़ा गया, सारे जितने सरकारी कर्मचारी थे बाबूजी चारी ओर से लग गए। जब पकड़ा गया बाबूजी बातचीत सुना तो बताने लगा मनीष कि सर 20 साल पहले इस दुबई में वह मेरा बाप नौकरी करने के लिए आया था, फर्जी पासपोर्ट बनवाने की वजह से मेरा पापा इस दुनिया में फंस गए, इसलिए मैं पूरे वोडाफोन से हाथ जोड़ के कहता है मेरे पापा की कम से कम लाश मिलनी चाहिए बाबूजी। और लेकर जब लाश मिला है आज वहां के एयरपोर्ट पर बैठ करके और लेकर चला है, हुआ क्या अरे रोबेला मनीष मनावा अरे कैसे मनाया अरे मोले का खबरिया कैसे अरे मम्मी के सुनाई हो कैसे मम्मी के सुनाई भो अपने पापा को लाश लेकर के दिल्ली पर आया है, बार बार घरवा से फोन जाता भैया कहाँ हुआ कैसे हुआ, सारा लोग खुशी में होवन बाबू कि नहीं मिल गेलन मोहन अपने पापा को लेकर आ रहा है। आखिर में जब ही दुरवा पर जब एलन गाड़ी आयल बा वो टैक्सी में से निकल करके अपनी माँ की नजर बढ़ाया है तो हुआ का अरे देखनी है जब मीरा अपने सदन कलशिया छोड़ के रह पाई भी हो अरे मुवला का संदेश कैसे अरे मम्मी के सुनाई भो मुवला का संदेश
यहीं से मेरे विरह खत्म हुआ। लास्ट में कहना है, गुरु बिहारी गुरु पत्तू छह बार जी स्वर्ग सिधार, और गुड्डू पर सिदन संग सुरदार रंग पखार, और सजनवा दुबई घाटी में फसल लिखता।